आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम नीम करोली बाबा के बारे में जानेंगे। नीम करोली बाबा 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से थे। इनका जन्म अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूर है। इनका धाम केची धाम है, जो कि नीम करोली बाबा का स्थान माना जाता है। केची धाम और यहाँ होने वाले चमत्कारों की गूंज देश विदेशों तक है। नीम करोली बाबा को आत्मज्ञान 16 से 17 वर्ष के बीच हो चुका था, जिसे आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक समझा नहीं सके। छोटी सी उम्र में भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल करना यह एक सोचने का विषय है। इसी ज्ञान के साथ उन्होंने भारत के कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाने लगे, जैसे गंजम में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारने लगे। लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार तक कहने लगे। उनके चमत्कार कुछ इस प्रकार थे कि उन्हें सोच पाना आज भी असंभव सा लगता है, क्योंकि विज्ञान ठोस सबूतों पर और खोज पर विश्वास करता है, परंतु जब विज्ञान के परे कुछ होता है तो वे केवल और केवल चमत्कार, जिसे आज भी विज्ञान सुलझा नहीं सका। आज भी हमारे भारत में कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे हैं जिनकी शक्तियों के बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती है। उनकी खोज करना भगवान की खोज करने के बराबर है। कुछ संत ऐसे हैं जो खुले आम अपनी सिद्धियों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, परंतु कुछ संत नहीं। बाबा के चमत्कारों में एक चमत्कार ऐसा है कि नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, यह बात लगभग 1958 की है। उनके सेवक रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए और काफी देर तक ट्रेन में सफर किया। जब कंडक्टर ने बाबा से टिकट मांगा तो उनके पास टिकट नहीं था, तो कंडक्टर ने ट्रेन रोक उन्हें ट्रेन से उतार दिया। उनके उतरते ही ट्रेन मानो जैसे अपना दम तोड़ चुकी थी, ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन का इंजन तो चालू हो रहा था, परंतु ना जाने क्यों ट्रेन एक कदम भी चलने को तैयार नहीं थी, मानो जैसे ट्रेन को किसी ने अपनी शक्ति द्वारा रोक रखा हो। कुछ समय तक ट्रेन को ठीक करने का प्रयास चलता रहा। फिर किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि आपने जिस साधु को ट्रेन से उतारा है उन्हें वापस चढ़ा लो, परंतु कंडक्टर ये सब नहीं मानता था, तो वे यह बात सुन फिर ट्रेन के ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रेन को सुधारने में लग गया। किसी भी इंजीनियर को ट्रेन में कोई भी समस्या नहीं दिख रही थी। फिर वे सब थक हार के बैठे तो उस कंडक्टर को ख्याल आया कि उन बाबा को जब से ट्रेन से उतारा है तभी से ट्रेन में दिक्कत आ गई है। फिर उस कंडक्टर ने अपने सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर बाबा से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें ट्रेन में चढ़ने को कहा। बाबा यह सुन ट्रेन में चढ़ने को मान गए, परंतु उन्होंने दो शर्त रखी। शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि रेलवे कंपनी को नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाना होगा, क्योंकि उस समय ग्रामीणों को कई मील पैदल चलकर स्टेशन जाना पड़ता था, और दूसरी शर्त ये कि रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करेगी। इस पर अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और बाबा हंसते हुए ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े और ड्राइवर ने इंजन चालू किया, ट्रेन मानो ऐसे चलने लगी जैसे ट्रेन में कुछ हुआ ही नहीं था। और कुछ चमत्कार तो ऐसे हैं जिन्हें विदेशी लोग भी मानते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स। यह काफी प्रचलित वाक्य है, स्टीव जॉब्स भारत में बाबा से मिलने व उनके चमत्कारों को महसूस करने के लिए आए। तब बाबा ने उन्हें एक सेब को थोड़ा खाकर स्टीव जॉब्स को दिया और उन्हें ये सेब देखकर एप्पल के लोगों का आइडिया आया और एप्पल कंपनी मानो जैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी, और एप्पल कंपनी आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। नीम करोली बाबा के कुछ ही चमत्कार लोग प्रसिद्ध हुए, ना जाने और कितने ही चमत्कार बाबा द्वारा किए गए होंगे जिनका उल्लेख हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। क्या आप भी विज्ञान के परे सिद्ध साधु संतों की सिद्धियों में विश्वास करते हैं, या फिर आप इनके चमत्कारों को विज्ञान मानते हैं? अगर यहाँ किसी प्रकार का विज्ञान है तो क्यों वैज्ञानिक अब तक इस प्रकार के चमत्कारों को नहीं कर पाए? हम आपसे विनती करते हैं कि किसी भी साधु संत महात्मा का अपमान ना करें। न जाने उन महात्माओं के पास कौन सी सिद्धि हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स द्वारा बताएं,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।